सर आपका नाम क्या है? क्या मेरा? आनंद। और सर आपका? अर्चित। अर्चित जी आप लेफ्ट में आइए, मैडम आप राइट में। आनंद जी आप जरा अंदर आइए। हाँ। मैडम आप अपने लेफ्ट में। ऐसे नहीं सर, अंदर मतलब आप अपने भाई के बगल में। क्यों, यहाँ सही तो है। सर कंपोजिशन के बारे में आपको पता है कि मुझे एवरी फोटोज टेल्स अ स्टोरी। दोनों भाई अगल बगल में और दोनों बहुएं उनके बगल में। आइए सर, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब जरा मुस्कुराइए सर। बेकार में मुस्कुराना क्यों? तो बेकार में डल क्यों रहना? लुक एट ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। माँ के साथ है ना, हमेशा मुस्कुराते रहिए। और साथ में राम भैया भी हैं और खूबसूरत बीबी। हाँ बिल्कुल सही। सर आप चश्मा उतारेंगे क्या? थोड़ा ग्लेयर आ रहा है। मैं चश्मे के साथ ही अच्छा दिखता हूँ, इंटेलिजेंट और बोल्ड। ग्लेयर आ रहा है सर। घर के बड़े लोग होंगे, निकाल दीजिए ना। ओहो ऐसे बताना पड़ता है। ओके रेडी, स्माइल प्लीज। अरे एक मिनट रुक जाइए प्रिया, तुम्हारा गला सूना लग रहा है। मेरा नेकलेस पहनोगी क्या? कोई बात नहीं दीदी, जब ये बनवाएंगे तब पहनूंगी। ओके चाहिए हो तो बताना। स्माइल प्लीज। मैडम आप मुस्कुरा नहीं रही हैं, क्या हुआ? अगर वो होते तो कितना अच्छा होता। बुला लीजिए, कौन है वो? मेरे पिताजी, वो गुजर गए। ओह हार्ट अटैक। आई एम सॉरी। मैं नहीं रोऊंगी। कौन सी टी? ग्रीन टी। वो ऑफिस कंप्यूटर का इस्तेमाल लव लेटर लिखने में करने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? वो लव लेटर नहीं है सर, फीमेल टीममेट्स को बस मैंने कॉम्प्लीमेंट्स दिया था सर। तुमने कॉम्प्लीमेंट दिया तो मैंने कंप्लेंट दे दी। सर आई विल टॉक टू देम सर। गुड जॉब क्यूटी पाई, ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? गुड जॉब तो कॉम्प्लीमेंट है सर, क्यूटी पाई। I will spank you if you don't get my work done by Monday. पर वो deadline Tuesday है ना सर? सर? एक मिनट, यहाँ पर मैं worker को नौकरी से निकाल रहा हूँ। ओह, aluminum hydroxide, dynamic code, magnesium hydroxide, silicon dioxide, आधे घंटे में acidity से relief की guarantee है। Same composition है तो वही prescribe कर सकते हैं ना? इस peptosin की क्या जरूरत है? नहीं सर, peptosin में आनंद, ये सब छोड़ो। ये 19-20 तारीख को क्रेओ लैप्टो लिस्टर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है। हाँ। वहाँ से दो दिन के लिए जयपुर जाने की सोच रहा हूँ। ये ITC राजपूताना में जो रूम है उसका इंतजाम हो जाएगा? वो खुद नहीं होगा सर, हम में से किसी को करना पड़ेगा। अच्छा जयपुर है ना सर, ट्राई करके देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। क्यों, नई कार कैसी है? चलाते आप है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बहुत बढ़िया है, इतनी स्मूथ चलने वाली कार मैंने पहली बार देखी है। अच्छा, मैंने सुना है श्रीकांत को नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ निकाल दिया। वो प्रिया के जीजा जी है ना? हाँ मुझे पता है, उसने भी ये याद दिलाया था। आज 3 तारीख है। हाँ, याद है मुझे, याद है। $3,00,000 पर 1.5% के ब्याज के हिसाब से 4,500 रुपए हुए ना, तुझे याद तो होगा ना? 1.5% 1% तय हुआ था ना। पैसों के लिए नहीं भाई, जिम्मेदारी, वो तुझे सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे नई कार की पार्टी, डिनर पर चलने का सोचा था, जल्दी रेडी हो जाना। hey, अगर ऐसे कर्जे और ब्याज में नहीं डूबना है ना तो एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। हाँ We'll be right back.
भजन लगाने के लिए कहा। जगह लाना है माँ, म्यूजिक सिस्टम चेक करना होता है तो ऐसे ही गाने सुनने पड़ते हैं। अच्छा क्यों नहीं होगा अर्चित, इतने लाखों रुपए देकर जो खरीदी है। क्या कह रही हो, चार लोगों के सामने पति को नाम से नहीं बुलाना है कहा था ना। बचपन से आदत है ना सासू माँ, अभी अचानक से बदलना मुश्किल होगा, इसलिए अर्चित जी आनंद जी, आनंद जी अर्चित जी। माँ और भाभी को देखकर बहुत खुशी हो रही है ना, माँ को बहू के रूप में एक अच्छी फ्रेंड दे दी मैंने। अच्छा, जैसे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। वो तो बबलू मामा के पैर पकड़ लिए थे इसलिए शादी हो गई। अरे माँ के लिए, पापा के जाने के बाद किसी ना किसी को तो साथ रहना था, स्वार्थ अच्छा नहीं है ना। वैसे भी माँ भाभी के बहुत करीब है, पापा को मैं पसंद था इतना काफी है। पापा का मैं बड़ा बेटा हूँ तो तू ज्यादा कैसे पसंद हो सकता है, पहले जन्म मेरा हुआ था पता है। हो सकता है, पापा के गुजरने से पहले उन्होंने घर की चाबी मेरे हाथों में दी थी। पापा का डाला हुआ ट्रायल है आप और मैं रियल हूँ। अच्छा सच है क्या? और नहीं तो क्या, ज्योति के मामले में आपने ही पापा का सर झुकाया था। ज्योति के मामले में गलती तेरी थी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे जगाना मत। ज्योति की याद आ रही है, जाके नीचे आ की मात्रा जो जो जो। अरे यार जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, जैसा तुमने सोचा था वैसा तो हुआ था ना। पूछो। नहीं पूछूंगी। पूछो ना। ज्योति कौन है? अरे वही ज्योति जो हमारे घर के ऊपर किराए पे रहती थी, उसके पिताजी शायद मास्टर थे है ना। सुडोकू मूर्ति जी की बेटी और आनंद राव का क्या संबंध है? ऐसा कुछ नहीं है। कसम खाओ? कसम खाता हूँ। तो फिर होटल में तुम्हारे भाई ने ऐसे क्यों बोला? वो ऐसे ही कहेगा, क्योंकि उस लड़की के पीछे पड़कर प्यार से नहीं तो डरा कर उसकी जिंदगी बर्बाद करके बैठा है, इसलिए। अब मैं सच कह रहा हूँ। सच में उसने इतना परेशान किया था आपको? छोटा मोटा नहीं, उसकी वजह से वो लड़की अमेरिका चली गई। वैसे इस राम का भाई बनकर रावण कैसे पैदा हो गया, समझ में नहीं आता। छी छी। इस लक्ष्मण का भाई पता नहीं कैसे ये रावण बन के पैदा हो गया। सच में कल्पू, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरी कोई भी ज्यादा इच्छा नहीं थी। मेहनत से पढ़ाई की, एक छोटी सी नौकरी, छोटी सी जिंदगी, एक सीधी साधी बीवी होगी तो काफी होगा सोचा था, और अभी आई एम रियली हैप्पी। तो फिर तुम्हारे और ज्योति के बीच में कुछ भी नहीं है क्या? नहीं प्रिया, मैंने जिससे प्यार किया, जिससे प्यार करता हूँ, जिससे करता रहूंगा और जो मेरे सुख दुख का हमेशा साथी है, वो सिर्फ तुम ही हो। सॉरी अर्चित, वैसे बताओ आनंद ने आखिर क्या किया है? उसने 10 साल पहले जब केंद्र में सरकार चल रही थी तभी से आनंद के अंदर इतनी आग थी कि किसी ने सोचा तक नहीं होगा। हेलो, पापा ने कहा था कि तुम्हारे आने से पहले मैं दीवारों को पेंट कर दूं। तो पेंट किया क्यों नहीं? कर दिया, एक्स्ट्रा कोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा है ना? और क्या बताया तुम्हारे पापा ने? अरे बड़े लोग कुछ भी कहते हैं, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। यह है बेडरूम, तुम जितनी चाहो उतनी कीले ठोक सकती हो। यह है किचन, यह है डाइनिंग एरिया। मानता हूँ कि आप समझदार हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप बच्चों की तरह दीवारों पे पेंसिल से पेंटिंग बनाएंगी ना, तो मैं उससे भी पेंट कर दूंगा। ओह थैंक यू। आपके चेहरे पे कुछ लगा है? अच्छा, सच कह रहा हूँ। फिल्म्स मैं भी देखती हूँ, मेरी शक्ल पर खूबसूरती है, खूबसूरती पोछने से नहीं मिटती। आपके चेहरे पे पेंट लग गया था, टेंशन मत लीजिए, पोछने पे मिट जाता है। वैसे भी आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको पेंट की क्या जरूरत है? कहते हैं ना, फूलों के पैदा होते ही सुगंध आती है, उसी तरह आनंद उस लड़की के आने के पहले दिन से ही उसके पीछे लग गया था।
आनंद तो बहुत ठरकी किस्म का है। सब कुछ बताता हूँ, वो बहुत बड़ा ठरकी है। उसकी कहानी सुनने के बाद तुम खुद ही तय करना कि वो कैसा है। उसे लड़कियों के पीछे पड़ने में बहुत खुशी मिलती थी और उस दिन जब वो आई। हेलो। हे, पापा ने कहा आपके आने से पहले दीवारों को पेंट कर दूं। तो पेंट किया क्यों नहीं? हो गया ना, जब तक दूध उबालोगी तब तक सूख जाएगा। और क्या बताया तुम्हारे पापा ने? बड़े लोग तो कहते ही रहते हैं, पर आप फ्री हो जाइए। यह है बेडरूम, विंडो कट नहीं कर सकते हैं, पर चाहिए तो स्प्लिट एसी लगा लीजिए। यह है किचन, यह डाइनिंग हॉल, नीचे पार्किंग लॉट भी है, नई कार आने तक अपनी कार लगा सकती हैं। छह महीने से खरीदने के लिए बोल रहे हैं लेकिन अब तक नहीं खरीदी, तो जगह अपनी समझो। अरे आपके चेहरे पे कुछ लग गया है। ये तो फिल्म का डायलॉग लगता है। खूबसूरत लग गया, पोछने पर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, सच में आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। आपके चेहरे पर रंग लग गया है। रंग तो पोछने से चला जाता है। लड़की काली गोरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके चेहरे पर रंग नहीं होना चाहिए। ऐसे रंगों की बातें करते हुए धीरे धीरे वो उसके पीछे पड़ने लग गए। देवर जी जुबान अच्छी चला लेते हैं। तो फिर क्रिमिनल की पहली क्वालिटी यही होती है, जुबान चलाना। अब तक तो पेड़ पौधे पहाड़ सूरज बनाया करता था, आज लड़की बना रहा है तू। उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये। कौन है ये? ज्योति है। किसी भी लड़की के पास इतना अच्छा दिल कैसे हो सकता है? मुझे पसंद आ गई है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, पापा को पता चला तो वो शायद अपसेट हो जाएंगे। समझदारी से करूंगा। वैसे क्या करेगा तू? बातों में फंसाऊंगा, इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा, और जब तक वो कुछ समझ पाएगी तब तक उसे मुझसे प्यार हो चुका होगा। इस तरह से मैं उसे अपने प्यार की लत लगा दूंगा। बाप रे, आनंद पेंटिंग भी बनाया करता था क्या? बहुत अच्छी बनाता था। एक बार उस लड़की को पेंटिंग सिखाने के बहाने उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज चला गया। रंग में ब्रश डुबाओ। कौन से रंग में? कोई भी एक। पेंटिंग बनाने के लिए ऐसे नजदीक आना पड़ता है क्या? मुझे ऐसे ही सिखाना आता है। कुछ भी कहो लेकिन कला का प्रदर्शन करते हैं, मतलब शुक्र की पूरी कृपा है, इसलिए लड़कियां इनके आगे कमजोर हो जाती हैं। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। बस तुम सुन के इतना डर जा रही हो, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, सोचो मुझे कितना डर लगा होगा। छे। यस, वेल प्लेड सर। थैंक यू। तुम्हारा भाई अच्छा प्लेयर है बॉस, दोबारा प्यार से हराया मुझे। इतना उदास क्यों है आप? आपने तो उसे हरा दिया ना। इसे लव से हराने में क्या मजा है? ज्योति को लव में गिराना है। वो भी टेनिस खेलती है क्या? वो लव नहीं, दोनों आंखें मिलाएंगे तो 100% लव। भैया ऐसा मत करो, पापा को पता चला तो अपसेट हो जाएंगे। होशियारी से करूंगा। वैसे करेंगे क्या आप? उसे बातों में फंसाऊंगा, इमोशनली कॉर्नर करूंगा। जब तक ज्योति को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तक ज्योति को मैं अपने प्यार में फंसा चुका रहूंगा। जेठ जी टेनिस खेलते थे क्या? कभी बातों में भी बताया नहीं। बहुत अच्छा खेल खेलता था। एक बार तो वो उसे टेनिस सिखाने चले गए, उसके मना करने पे भी नहीं माने। टेनिस सिखाने वाले थे ना, फिर ये सब क्या है? यही है टेनिस। तुमने भी ऐसे ही सीखा था क्या? मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था। कुछ भी कहो पर स्पोर्ट्स खेलने वालों के पास टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए ऐसे गलत तरीके से बिहेव करते हैं। सच में? सच कह रही हूँ, हार्मोन्स है ना। मुंह में उंगली रखने पर काटेगा भी नहीं, इतना भोला बना रहता था, लेकिन उसके दांत तो बहुत नुकीले हैं। उससे पहले वो बिना दांत के घुमा करता था। हमेशा कोई एक ही जैसा रहता है क्या? बड़ा होते ही वो बदल गया बस। अब देखो तो जरा, चश्मा लगाकर कितना भोला दिखने का नाटक करते हैं। ये सब नाटक है, जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी उसके लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं वो। ऐसे भाई ने प्यार में गाना गाना शुरू कर दिया और
मेरी बात सुनना बंद कर दी। आज शाम का ही मुहूर्त रखा हुआ है। पता नहीं क्यों भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप जो कर रहे हैं वो सही है ना? ज्योति की जिंदगी में बड़ा मोड़ आने वाला है। माँ को पता चला तो वो डांटेंगी। वो बात उन्हें घर को किराए पर उठाने से पहले सोचनी चाहिए थी। दरअसल मुझे प्यार ही नहीं होगा, सब ऐसा सोच रहे थे ना। बात वो नहीं है यार, हम लोग आसपास ही रह रहे हैं ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं आएगी। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, आजकल वो मुझे बहुत मौके दे रही है। पापा डांटेंगे यार। ये बात उन्हें घर को किराए पे देने से पहले सोचनी चाहिए थी। उन्होंने क्या सोचा था कि मुझे उससे प्यार नहीं होगा? आई लव यू बट आई डोंट लव यू बट आई लव यू सो मच बट आई डोंट लव यू एट ऑल। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी मुझे कैसे मना कर सकती हो? मेरे प्यार किए बिना तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? प्यार करना अपने हाथ में होता है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार नहीं करना हमारे हाथ में ही होता है। मैं प्यार नहीं करती। तुम में और तुम्हारे भाई में कितना फर्क है। आनंद हीरे की तरह है, कितना स्मार्ट, कितना हैंडसम, कितना अच्छा इंसान। शर्म करो, कुछ सीखो उससे। तुम में और तुम्हारे भाई में कितना फर्क है। वो एक हीरा है, कितना हैंडसम, कितना इंटेलिजेंट, कितना अच्छा इंसान। शर्म करो, कुछ सीखो उससे। मैं अगले हफ्ते यूएस चली जाऊंगी, सो गुड लक विद द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड गुड बाय। क्या कर रहे हो ये? हिंदी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। लड़कियों को प्यार कैसे करते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने मेरा राइट हैंड पकड़ा है और मैं वैसे भी लेफ्ट हैंडेड हूँ और लेफ्ट हैंड मेरा फ्री है। तो फिर मैं वही हाथ पकड़ता हूँ? हाँ, थैंक यू। मैंने झूठ बोला था, आई एम राइट हैंडेड। ज्योति ने जाते जाते उससे कहा कि मेरे जैसा बनो, तब से वो बहुत जलता है, हर टाइम मुझसे किलसता रहता है। वो उनकी बेइज्जती करके चली गई, इसलिए वो गुस्सा है। कुछ भी कहो, लड़कियां किसी ऐरे गैरे के साथ प्यार नहीं कर सकती। कम से कम सिक्योरिटी और अच्छा व्यवहार तो होना चाहिए। बेचारी, उस लड़की की क्या गलती है, उनको थोड़ा सा तो समझना। जाने दो ना अर्चित, जो हो गया सो हो गया। मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं, मेरे लिए तुम और तुम्हारे लिए मैं। उसके कारनामे मुझे याद आ गए, एक छोटा सा वॉक करके आता हूँ। सॉरी अर्चित, दोबारा से वो टॉपिक नहीं लेकर आऊंगी। तुझसे भी उसने पूछा क्या? आपने क्या कहा? अचानक उसने पूछा तो मैंने जो कारनामे किए वो तूने कर दिए, ऐसा कहा मैंने? इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझे पागल पेंटर बना दिया। तूने भी तो मुझे एक फील्ड टेनिस प्लेयर बना दिया होगा ना। तो फिर मैं अपनी किट आपके रूम में रख देता हूँ और आप अपनी पेंटिंग मेरे रूम में, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। सन 2015 में वो हमारे घर रहने के लिए आई थी ना? या 2015। लड़की देखने में अच्छी है क्या? अच्छी होगी। तूने देखा नहीं था? एडवांस देने के लिए उसके पापा आए थे। अब उनसे तो पूछा नहीं जा सकता, वैसे भी मिडिल क्लास की लड़कियां कहाँ खूबसूरत होती हैं। हाँ यार, डाइटिंग वगैरह नहीं करती हैं। हाँ, फेशियल वगैरह भी नहीं कराती हैं, मिडिल क्लास की बनके रहती हैं हमेशा। अरे कुछ नहीं, वो सब नाटक होता है, सीधी सादी बनने का नाटक करती हैं। ए हेलो। हाँ
आप दीवारों पे पेंसिल नहीं चलाती होंगी, आई नो इट। आप दीवारों पर कील नहीं मारेंगी और ये मुझे अच्छे से पता है। विंडो काटने की जरूरत नहीं होगी, चाहिए तो स्प्लिट एसी लगवा लीजिए। जब तक कार नहीं खरीद लेते तब तक पार्किंग आपकी ही है। हमारी तरफ से इतना ही था, आपको कुछ पूछना है क्या? अच्छी दिखती हूँ या फिर सीधी सादी मिडिल क्लास लग रही हूँ? बताइए ना। या ऑफ कोर्स या शो व्हाई नॉट। हेलो, हाँ, आई एम ज्योति। आई एम अर्चित। आई एम आनंद। आई एम अर्चित रामा। आई एम आनंद वर्धन राव। मिस्टर सागर, या डोंट वरी, बुद्धि के दांत और दूसरे दांत में कोई संबंध नहीं है। ओह रियली? यस, थैंक यू डॉक्टर। तो फिर सावधानी क्या रखूं? सफाई रखिए। हाँ, दो बार साफ करूं क्या? अगर हो सके तो दो बार साफ कीजिए, वरना दांत तो नकली ही हैं, किसी और से साफ करवा लेना। डॉक्टर। हे जो, हाउ आर यू? फाइन। पापा जी ने फोन किया था, हाउ इज ही? सुपर। ग्रेट टीचर। तो यूएस जाने वाली हो? यस। बात यह है जो, तुम अमेरिका जाकर एग्जाम पास करोगी। गुड मॉर्निंग। एग्जाम पास करके MBBS करोगी, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करने में कितना टाइम लगेगा पता है? या यू स्टिल थिंक इट्स अ गुड आइडिया? कॉलेज में मेरे सीनियर कह रहे हैं अगर मीनवाइल मैं यहाँ काम करूंगी तो आपको हेल्प हो जाएगी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। नो 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 नो, मुझे क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम मूर्ति जी की बेटी हो, मेरे ग्रेट टीचर थे। रियली? थैंक यू। थर्सडे से ज्वाइन कर सकती हूँ? या व्हाई नॉट, गो अहेड, गुड लक। थैंक यू डॉक्टर। सुडो कोमु सोनियन मूर्ति। पापा। बोलो बेटी। पापा। अरे बोलो ना। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती आपको यहाँ छोड़कर। व्हाट नॉनसेंस, एवरीबॉडी गोज टू अमेरिका। बात वो नहीं है। देखो बेटी, जिंदगी में कुछ सालों तक तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी पर निर्भर हुए बिना आराम से शांति से कुछ समय तो जीना चाहिए। मुझे उस तरह जीने की इच्छा नहीं है। मैं ये बात अपने बारे में कह रहा हूँ, कम से कम कुछ सालों तक तो मुझे छोड़। पापा, मैं मैरिज कर लूंगा बेटी। आपको लड़की कौन देगा पापा? मैंने मैरिज नहीं कहा, मैनेज कहा। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपके पास ही है ना? हाँ, मेरे पास है। बहुत ही बढ़िया है ना, इतनी बढ़िया होगी सोचा भी नहीं था। अरे भाई, हमारा तो पराठा भी बढ़िया रहता है। ये तुम्हारी पूरी के बारे में बात नहीं कर रहे, लड़की के बारे में। एक और प्लेट बोल दूं क्या? मेरे पैसे खत्म हो गए यार, अब मैं क्या करूं, सिगरेट के लिए भी पैसे नहीं है। टन टन। अरे ये कहां से आई? लास्ट सिगरेट। चला चला चला, 50-50 पी लेंगे। यहां पर नहीं, यहां कोई देख लेगा, घर की छत पे चल के पीते हैं। चलिए। इसे ढूंढ रहे हैं, चलिए रेस लगाते हैं। यहाँ से बाइक के पास जो पहले पहुंचेगा वही ड्राइव करेगा। ओके, ये रेस भी मुझसे नहीं हो पाएगी। तुम दोनों इतनी देर से कहाँ गए थे? भैया के फ्रेंड के घर गए थे पापा। जब कोई जरूरी काम हो तब गाड़ी का इस्तेमाल करो, पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ गया है। सुनो, अंदर आ जाओ, नाश्ता कर लो, इडली बनाई है। अभी नहीं माँ, भूख नहीं है। जला जला। हाँ हाँ, जला रहा हूँ यार। निकल। तीली खत्म हो गई, अभी लेके आता हूँ।
यहाँ पर वो माचिस है क्या? किस लिए? वो क्या है कि माँ पूजा कर रही थी, कपूर जला रही थी, तीलियां खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि आपसे मांग ले आऊं। ये तो लाइटर है, ये किस लिए? मेरे पापा भी घर पर सुबह सुबह ऐसे ही पूजा करते हैं। ध्यान रखना, सिगरेट धीरे धीरे इंसान की जिंदगी को खा जाती है। हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है। हे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। hey, वो लड़की डेंटिस्ट है, सबसे पहले तेरे दांत नजर आए होंगे, इसलिए उसने ऐसा कहा होगा। बस इतनी सी बात होगी क्या? और नहीं तो क्या? समझो हमारे घर पे वास्तु का पंडित आ जाए तो वो ऐसा बोलेगा कि घर की बरकत कुछ ठीक नहीं है। उन्हें जो पता है वो वही बताते हैं। अगर ऐसा है तो वो कह सकती थी कि तुम हंसते हो तो अच्छे नहीं लगते हो, बोरिंग लगते हो, बेकार दिखते हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? जाने दे भाई, तेरी हंसी अच्छी है। ठीक है, अब सो जा। जोजी, सुनिए जोजी। यहाँ जोजी कौन है? आपका लाइटर। थैंक्स। सब कुछ ठीक है ना? आपको एक जोक सुनाऊं क्या? डेंटिस्ट वाला जोक। डेंटिस्ट का पसंदीदा खेल कौन सा है? टूथ एंड डेयर। गुड वन। आपकी हंसी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और मेरी? इतना किसके बारे में सोच रहे हैं? इसके बारे में ना? इस शहर को ये हुआ क्या? तिलियां है क्या? पूरा पैकेट है मेरे पास। वैसे भैया, सिगरेट छोड़ देना हमारे लिए ठीक होगा। ऐसा किस लिए? सिगरेट में निकोटीन, बेंजीन, फॉर्मेडिहाइड, अमोनिया, कैडमियम, आर्सेनिक, डीडीडी, इतने सारे जहरीले पदार्थ होते हैं। 8 रुपए में इतने सारे पदार्थ दे रहे, तब तो बहुत ही बड़ी बात है ना। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। जा यहां से, चल निकल यहां से, हट, हट, तेरी तो, हट जा, हट जाओ, हट, हट, दूर, दूर, हट जा, बहुत मारूंगा, हट जा, ओ, There seems to be a molar fracture, doctor. हाँ. Are the dentin and pulp tissue exposed? Yeah. Yes, doctor. It is. How do you treat a fracture? Actually, Joe. How do you treat a molar fracture? To prevent the loose tooth from falling apart. The dentist has to be spleen the tooth by bonding with the adjacent teeth to help stabilize the tooth while the underlying bone and gums heals due to the oral activity, to the oral environment. There's a pulp infection. Root. There is a root canal procedure need to be. Come on. Perform. In the first visit. That's all. Alternatively, what a dentist can do? Bolo. The dentist. Bolo. The dentist. The dentist may electroply. Come on. The dentist may electroply.
हाँ, बोलो बोलो। The dentist. ये क्या किया आपने? मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, यहाँ कॉलेज में क्यों लेके आए? अच्छे से करेंगे यार, डोंट वरी, इस डॉक्टर का टारगेट अच्छा है। हाँ? आप तो उस डॉगी को मार रहे थे ना, तो फिर मुझे कैसे लगा? मैं जानता हूँ आपका टारगेट मैं ही हूँ। अरे तू क्या बोल रहा है, मेरी को समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है, मैं बिल भर के आता हूँ। Determined if further procedure procedure part that's it। अगर ऐसे भूल जाओगी तो हमारे कॉलेज का नाम खराब होगा ना। ठीक है, तुम सामान तैयार करो, मैं आता हूँ। ओके सर। गो। सुनिए सुनिए, मोलर फ्रैक्चर में कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप बिल्कुल चिंता किए बगैर बैठ जाइए। डोंट वरी, वी फाइनली फिक्स्ड इट। डोंट वरी, वी फिक्स्ड इट। मेरे भाई का मोरल सब ठीक है ना? अरे मोरल्स नहीं, मोलार्स। ही इज फाइन। रात में आइसक्रीम वगैरह दे सकते हैं। दांत का कितना हुआ बताएंगी तो? 32-18-6/2A। अरे बाप रे, इतना हो गया क्या? नहीं, उस घर के सभी लोगों के लिए फ्री है। ओह। क्यों रे, कैसा है? लाट। अच्छा, तो तुझे लात भी मारी है क्या? लाट नहीं, जाट। टूट। अच्छा। हाँ। ए, उसे थैंक्स कहा? उसे कुछ नहीं आता है। मैनर नहीं है क्या? पैसे भी नहीं लिए उसने। हाँ। थैंक यू। हाँ, I thank you from the heart of my bottom. Bottom of my heart. हाँ वही वही, मतलब बुरा ना मानो तो मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा आपको, आप भी आइएगा। दरअसल फ्लेवर्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। रोज कितनी आइसक्रीम खानी पड़ेगी? जितनी खाओगे उतना अच्छा होगा। मुझे लगा था किसी बाहर वाले ने मारा होगा, इन्होंने मारा था ये नहीं पता था। मेरे साथ होते हुए अगर कोई दूसरा इसे हाथ लगाएगा तो मैं छोड़ूंगा क्या? आपको याद है हमारे कॉलेज के बस स्टॉप पर इसने उसे इतना मारा। बाबरे, आइसक्रीम नहीं खा पाऊंगा। हाँ, सिगरेट पी सकते हो ना? हाँ? वो अलग बात है। असल में सिगरेट क्यों पीते हैं और किस लिए पीते हैं? हर काम से तुम्हारी जिंदगी घटेगी तो इस काम का दुख नहीं होता तुम्हें? वो तो नहीं पता, लेकिन हर कश में जब सिगरेट घटती है तो उसका बहुत दुख होता है। वैसे तुम्हारे फादर भी फूंकते हैं ना? कितनी बार कहा, मेरे दादाजी ना बिल्कुल भी नहीं फूंकते थे। नो सिगरेट्स, नो अल्कोहल। 93 के हो गए थे फिर भी साइकिल चलाया करते थे, मार्केट भी पैदल जाया करते थे, मरते दम तक बहुत हेल्दी थे। तुम्हारे दादाजी ज्ञान दे के मरे थे? Shut up। ठीक है, हम सब ऐसे साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं तो इसकी बहुत खुशी हो रही है। इसी खुशी के मौके पर इस पापी सिगरेट को छोड़ने का मन कर रहा है। मैं भी। भैया, आपसे एक बात पूछूं, सच बताएंगे ना? वो आपको पसंद है ना? हाँ, अच्छी लड़की है। बस इतना ही? कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है ना? व्हाट? नो नो नो, तुझे पसंद है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुड। भैया वो देखिए। क्यों, क्या हुआ? मुझसे कह रही हो? हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। सच एन अमेजिंग पेंटिंग। पेंटिंग इनकी जान है। या नहीं, दरअसल मुझे कविताएं पसंद है, लेकिन आता कुछ नहीं। डोंट वरी,
पेंटिंग का मतलब तस्वीर से कविता सुनाना। तो इसका मतलब रैकेट के साथ पेंटिंग बनाना होता है क्या? ये टेनिस स्टार है, कल टूर्नामेंट भी है। ओह, मैं देखने आ सकती हूँ? या ओके। हार जाएगा तो शायद इज्जत चली जाएगी। Come on. Love 15. जो स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट में बहुत अंतर होता है ना। कैसा अंतर? स्पोर्ट्समैन आर वेरी अग्रेसिव, ये कॉमन सी बात है, एंड आर्टिस्ट आर वेरी सेंसिटिव। मैं इतना जनरलाइज नहीं करती हूँ। ठीक है, तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम स्पोर्ट्समैन से शादी करोगी या आर्टिस्ट से शादी करोगी? अरे बाप रे, मुझे नहीं पता। जनरली लड़कियां किसे पसंद करती हैं? जनरली स्पोर्ट्स पर्सन को ही पसंद करती हैं। मेरे हिसाब से तुम गलत हो। अगर विराट कोहली और जावेद अख्तर का मुकाबला हो तो ज्यादा गर्लफ्रेंड्स किसकी होंगी? विराट कोहली तो सुपर्ब है, विराट कोहली के साथ उसका कैसा कंपैरिजन? हैप्पी बर्थडे यार। थैंक्स भैया। चल ऊपर चले। उस दिन आपने कहा था आपने छोड़ दिए। तुझे छोड़नी है क्या? जबान दी है ना, तो फिर क्यों सिगरेट पीना? हाँ वो बेकार सिगरेट नहीं पीऊंगा, ये दूसरी सिगरेट है। क्या है वो, कुछ लिख रहा है क्या? ना कुछ लिख रहा हूँ ना छुपा रहा हूँ। दिखाना प्लीज भैया, प्लीज 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 प्लीज, आपको मेरी कसम। ठीक है, अपनी प्राइवेसी अपने पास ही रख। गुड नाइट। चीटर है, मेरी पर्सनल चीज को पढ़ते शर्म नहीं आती। चीटर! अरे अरे क्या कर रहा है यार? चीटर है भैया। शांत हो जा, तूने कहा था तेरे में फीलिंग्स ही नहीं है। हाँ कहा था, कह नहीं पा रहा था इसलिए कहा। मुझे बता सकता था ना, कोई किसी का लेटर पढ़ता है क्या? अच्छी शांत हो जा यार, शांत हो जा। तो अब क्या हो गया है बताना। मुझे शर्म आ रही थी। अरे छोड़ना यार, मैं हूं ना। ओके, कब देने वाला है? आज मेरा जन्मदिन है, शाम को। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। सेकंड पैराग्राफ में जो फूल है वो बढ़िया है, सच कह रहा हूँ। कृष्णा शास्त्री की कविता थोड़ी मतलब अच्छी नहीं है क्या? इसमें क्या है, बदल देंगे ना, थोड़ी सी काट कर। अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है पूछेगा? अरे मेरे भैया।
जुग जुग जियो। गॉड ब्लेस यू। मेरा गिफ्ट कहाँ है? तेरा मनपसंद खाना बनाया है। मेरे साथ आओ। मैं लौट के आके खाऊंगा, प्लीज माँ। बताइए ना पापा, कुछ तो देंगे ना आप, समथिंग स्पेशल? ये लो। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है, इसे पढ़ो ना, बहुत अच्छी है। पापा आप मुझे आईपैड, आईपॉड या आईफोन नहीं दे सकते थे क्या? इसकी अहमियत तुझे अभी नहीं पता चलेगी। क्या पता नहीं चलेगी, देखिए ना क्या लिखा हुआ है इसमें। विशाल बुक हाउस, बैक स्ट्रीट, हैदराबाद, पिन कोड 54001, कीमत 160 रुपए। वो तो सिर्फ उसकी कीमत है, अहमियत नहीं। ठीक है पापा, आप साइन कर दीजिए। देखा अगर आईफोन होता या आईपैड होता तो मैं साइन कर पाता क्या? ये लो। थैंक्स पापा। भैया एप्पल का स्कूल स्टार्ट होने से पहले इंडिया आ जाओ ना। देखो अभी अभी वो घर आया है, अभी रो रहा है, 1 मिनट। हाय आनंद, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सुनो, हाय। वहाँ देखो बेटा, बुआ। क्या हुआ मेरे बच्चे को? ऐसी बात नहीं है, बस गुस्सा मत होना। खाना खाया, पानी पिया, सुसु कर लिया, वो सब हो गया है। शाम को हम लोग मिल सकते हैं क्या? घूमने चले क्या? घूमने चले? छत पे मिले क्या? छत पे शाम को 7 बजे मिले। ओके आनंद, इज एवरीथिंग ओके? यस, बस भूलना मत। ओए चलो पहले एक चुम्मा दे दो। क्या? अगर चुम्मा नहीं दोगे तो मैं बात नहीं करूंगी। हाय ज्योति। हाय आनंद। वो क्या है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसलिए बुलाया। मुझे भी तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो फिर देर किस बात की है, बोलो ना। नहीं आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो पहले तुम बताओ। अगर पहले मैंने बता दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया तो? मुझे क्यों गुस्सा आएगा, फिक्र मत करो, बोलो ना। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथ में जो लव लेटर है उससे शुरू करो। पता चल गया तुम्हें? तुम पढ़ोगे या मैं पढ़कर सुनाऊं? मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, पढ़ो। ओके मैं पढ़ती हूँ। प्रिय ज्योति के लिए अर्चित की तरफ से। मैं अगर साड़ी पहनूं तो ऐसा लगता है जैसे कृष्णा शास्त्री की कविता को साड़ी पहना दी हो। ऐसा लिखा है? इसकी तो तुम गुनगुनाती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोयल गा रही हो, ऐसा लिखा होगा ना? हंसती हो तो फूल खिलते हैं। जब मैं सीढ़ियां उतरती हूँ अगर एक दो सीढ़ियां साथ उतर जाऊं तो मोहन राग के जरिए स्वर्ग में पहुंच गए ऐसा प्रतीत होता है। उसके साथ बाइक पर जाते हुए अगर स्पीड ब्रेकर आ जाए तो रोड पर भी शास्त्रीय संगीत बजने लगता है, ऐसा लिखा है। कॉपी पेस्ट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि उसका क्या करूं आनंद। ऊपर के कमरे में किराए पर रहती हूँ तो लव लेटर लिख देगा क्या? कैसे समझाऊं उसे समझ में नहीं आता। उसे कुछ मत बताना, मुझे उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सोच समझ कर कुछ बता दूंगी वरना बुरा मान जाएगा। तुम क्या बताओगी? मैं बता दूंगा। क्यों रे, कहाँ गया था तू? आ खाना खा ले बैठ। कैसा बना है? बहुत अच्छा है माँ, लेकिन मुझे बताना नहीं आता, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। भैया बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों भैया, खाना कैसा बना है? इट्स यम्मी यार। ओह, इसमें माँ ने कविता की मिर्ची डाली है ना, इसीलिए इतना स्वादिष्ट बना है ना। चुप ना यार।
अंडे की सब्जी कैसी बनी है? कोयल की तरह है ना, मुंह में डालते ही गल जाएगी। अंडे की तरह ही है। क्या बात है, आज बहुत शेरो शायरी हो रही है। रोटी के साथ सब्जी खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दिल को सुकून पहुंचाने वाली ठंडी हवा बह रही हो। मेरा हो गया। ये क्या बेटा, इतनी जल्दी हो गया? फुल हो गया माँ। धोखेबाज पापी। ए, मुंह बंद कर। आप ये कैसे कर सकते हैं, आप मेरे भाई हैं ना। कितनी बार पूछा था मैंने, कितनी बार पूछा था, लेकिन तूने पहले कभी मुझे बताया ही नहीं। तो क्या हुआ, आपने बताया कि वो आपको पसंद है? जिस वजह से तूने नहीं बताया उसी वजह से मैंने नहीं। पहले लेटर मैंने लिखा था। पहले लेटर मैंने दिया। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे शक हो रहा है, आपने उस दिन मुझे पत्थर इसीलिए मारा ना, क्योंकि उसने मेरी हंसी की तारीफ की थी। ए, अपना मुंह बंद कर, जस्ट शट अप। वैसे भी 32 दांत होते हैं ना, एक टूट गया तो क्या मर जाएगा? मेरा एक लौता दिल अगर टूट गया तो कोई परवाह नहीं है क्या? कितना मतलबी इंसान है तू। हे, मैं अपने लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ, आपके लिए हो रहा हूँ। आपका दिल नहीं टूटना चाहिए इसलिए। मुंह बंद कर और निकल ले। भैया वो आपको पसंद नहीं करती है। कुछ भी, उसने तुझे बताया? मुझे पता है, बेवजह उम्मीद मत लगाइए, दुख होगा उसे भूल जाइए। सच कहूं तो उसके मन में कोई और है भैया। कौन है बे? मैं हूं। हंस क्यों रहे हैं आप? कुछ भी यार, कुछ भी। पता है हम एक दूसरे को कैसे बुलाते हैं? ओ ओ, ऐसे बहुत गहरे दोस्तों की तरह बात करते हैं, तुझे पता भी नहीं है ये। आपको पता है हम दोनों कैसे बात करते हैं? खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया या नहीं पिया, सुसु किया कि नहीं किया, इतने प्यार से बात करते हैं हम लोग। ये क्या कर रहे हैं भैया? एक लड़की की वजह से हम दोनों के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। कल हम दोनों उसके सामने बैठ के बात करेंगे, जो कुछ भी है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है। कृष्णा शास्त्री वगैरह वगैरह लिखने वाला मैं ही हूँ। मैंने इतना भी नहीं लिखा था, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। मैंने बहुत ही पोएटिक तरीके से लिखा। इन्होंने मेरा कॉपी किया था। तुम में अकल बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे अंदर 1% भी नहीं है। हाँ? मेरी जान पहचान के लफंगों में दूसरा नाम तुम्हारा ही है। दूसरा नाम उनका है, मतलब पहला नाम मेरा ही होगा ना? यस। अरे लेकिन सुनो तो, हम दोनों में से तुम किसे पसंद करती हो? शर्माइए मत, हिम्मत करके बोल दीजिए। पेरू चुवाला वाला भरद्वाज। बच्चों की जैसी हंसी है और मक्खन जैसा दिल है, रोज मेरा एक नया नाम रखता है। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो डरने का नाटक करता है, कमजोर पड़ूं तो मुझे हिम्मत देता है, और अगर हिम्मत से रहूं तो सावधान रहने को कहता है। उसे 4 भाषाएं तो बहुत अच्छे से आती हैं, और ऊपर से 2 भाषाएं और बोलता है। फुर्ती के साथ 4 स्पोर्ट्स खेल लेता है, और सुस्ती से 2 स्पोर्ट्स खेल लेता है। कौन है वो? मेरा बॉयफ्रेंड है। पहले से ही बॉयफ्रेंड है, आशिक बने घूम रहे थे ना? तो अब तेरा क्या होगा बोलना? ऐसे नहीं जो, अगर हम तीनों में से कोई सॉल्यूशन। शट अप, मैं अमेरिका जा सकती हूँ टू बी विद भारद्वाज। तुम दोनों को देखकर लगता है कि अब मैं चली ही जाऊं जितनी जल्दी हो सके। ऑलरेडी अफेयर है तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम लोगों ने ही मेरे हाथ पर चिकोटी काटी होगी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है तो हमें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर किस लिए बताऊं तुम्हें? पहले ही जो, एडवांस में देना चाहिए था। ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड है, फाइन। hey, सर मैं सच कह रहा हूँ। पोस्ट ज्योति भास्करन। क्या लाया है? पासपोर्ट। ला दे। मैडम नहीं है क्या? ये उन्हीं को दे सकते हैं। अच्छा, जो जो डार्लिंग, लगता है नहा रही है। सिग्नेचर कहाँ करने? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अबे लफंगे कहीं के, तेरी वजह से दूसरे लफंगे की पोजीशन मेरे पास है, अब कैसे अमेरिका जा पाएगी? पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे वो। हाय हाय, हेलो। वो मैं सॉरी कहने आई थी, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। भले ही मुझे गुस्सा आया था, पर शांति से भी बात हो सकती थी। इट्स ओके,
सुनो, I'm sorry. It's okay. देखो कितने प्यार से बुला रही है ये. गलती मेरी भी है, नई शुरुआत करते हैं ना. नई शुरुआत करने को बोल रही हो तो हम सॉरी बोलते हैं. hey! किस लिए? अभी अभी भैया जला रहे थे. hey! सिगरेट पीने से तुम्हारे ही लंग्स खराब होंगे ना, मेरे कहने पर छोड़ दी थी ना, तो फिर? भैया जो जला रहे थे वो सिगरेट नहीं, तुम्हारा पासपोर्ट था. हाँ? ओह गॉड, चलो हम नई शुरुआत करते हैं ना, शांति से बैठ के इस बारे में सोचना. ये मेरी लाइफ है, नया पासपोर्ट आने में 3 महीने लग सकते हैं. तत्काल में जल्दी आ सकता है, क्यों केसर विद्यासागर के बेटे का 2 दिन में नहीं आ गया था? मैं जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को बताती हूँ. अरे जो जो नहीं नहीं जो जो जानवर हो तुम दोनों, एनिमल्स. अंकल 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 उठिए अंकल. अंकल क्या हुआ? पापा आराम से. क्या हुआ अंकल? Hey, तुमने बताया क्या? तुमने बता दिया क्या? पापा 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 क्या हुआ? पापा पापा मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं. मेरे पापा भी. अच्छा, आईसीयू के बाहर बैठ के पेपर का सुडोकू सॉल्व कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे पापा आईसीयू में हैं. बड़ों को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. तो क्या हुआ, पापा ने क्या किया था? एक बार उनकी उम्र के बारे में सोचती. मैंने कहा ना, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. और अगर एक बार झूठ बोला तो? इतनी छोटी चोट के लिए भी इतना चिल्ला रही है, तो वो अपना दिल पकड़कर तड़प रहे और हम उनके बेटे हैं, हमें कितना दर्द हो रहा है. मैंने सच में नहीं बताया. बड़ी, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, ये मैं जानती हूँ और वो जानते हैं, मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ. तो उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया? उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया? मुझे क्या पता कैसे आया, जॉगिंग नहीं करते, साइकिलिंग नहीं करते, योगा नहीं करते, तो आएगा ही ना. एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अपने पापा के खिलाफ. हाउ डेयर यू, मेरे पापा नॉर्मल इंसान है, तुम्हारे पापा की तरह पागल नहीं. बहुत हुआ, गेट आउट, बोथ ऑफ यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, गो. सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, साइको हैं आप, साइको. पासपोर्ट जलाने की क्या जरूरत थी? जलाया था मैंने, मैं हूँ साइको. तेरी मेहरबानी के लिए ये बात भी बता दूं क्या उसको? आप मुझसे बड़े हैं ना, लेकिन अकल नहीं आपके पास. अच्छा तो तू मुझे सिखा रहा है क्या? मेरे अंडरलाइन किए हुए टेक्स्ट बुक के वर्ड्स तू पढ़ता था पता है, और पिछले साल की मेरी पैंट्स पहना करता था, और आज इतना बड़ा हो गया कि तू मुझे सिखाने लगा है क्या? छी, माँ को नहीं देखा आपने, क्या बीत रही होगी उन पे? लड़की को पटाने के लिए अपने खुद के भाई को धोखा दे दिया तूने. अगर पापा को कुछ भी हुआ ना, अगर ये कंडीशन आई है ना, तो सिर्फ तेरी वजह से. तू भाई है ये भूल जाऊंगा. चाचा जो जो या, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ जो? मैंने उन्हें सच में कुछ नहीं बताया. शांत हो जाओ बेटी, वो सब भूल जाओ. पढ़ाई करने अमेरिका चली जाओ, पासपोर्ट का मैं देख लूंगा. Thank you.
हाँ शिवा सर, तुम्हारा बेनिफिट्स अकाउंट देखा है, 6 लाख तक आ जाएगा। विड्रॉ करोगे क्या? 6 लाख रुपए? मैंने अकाउंटेंट से बात की थी सर, वो तो 9 लाख कह रहा था आएगा सर। उसके लिए 36 महीनों का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। तुम्हें ज्वाइन हुए 32 महीने हुए हैं, अभी अगर सारा पैसा लोगे तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन भी ऐड नहीं होगा। एक बार सोच ले शिवा, शायद गलती कर रहा है तू। जरूरत है सर। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में से जब जरूरत होगी तो पैसे निकालेगा तो कैसे चलेगा? और 4 महीने रुक जाना। भाई की फीस भरनी है सर, 1 सेमेस्टर का खर्चा 1.5 लाख है सर। उसके लिए पेट्रोल पंप वो सब है ना यार, काम करते हुए भर सकता है वो। हमारे होते वो मेहनत क्यों करे सर? अगर वो 1 हफ्ते में 40 घंटे पेट्रोल पंप पे काम करेगा तो उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं होगा ना सर। ठीक है, दीदी एक सवाल था। शादी से पहले जीजा जी का दूसरी लड़की के साथ अफेयर है, ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? एडजस्ट हो जाना चाहिए, मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। सच कह रही हो ना? एक औरत चाहती है कि उसकी 100 इच्छाएं एक ही मर्द पूरी करे, पर दूसरी तरफ एक मर्द चाहता है कि उसकी एक इच्छा 100 औरतें पूरी करें। यही है समाज का सत्य। ऐसे में झगड़ा करके हम लोगों को घर की इज्जत बाहर नहीं उछालनी चाहिए। आरती की थाली में क्या क्या होता है? प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, आरती की थाली में क्या क्या होता है? क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटी, जो आ रही है ना, आरती की थाली में क्या क्या होता है पूछ रहा हूँ। जल्दी बताओ बेटी, बताना क्या है बेटी, तुम ही रख दो ना। मिनियापोलिस टू एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम टू हैदराबाद। अर्चित, अर्चित, मैंने जो देखा वो तुमने देखा क्या? तुमने क्या देखा ये अगर बताओगी तो फिर मैं बताऊंगा। गिन नहीं आई? वो पढ़ी लिखी है ना, और नौकरी भी कर रही है। पैसे देने से पहले उसे पैसे दे देने चाहिए थे। कार के दरवाजे में उसकी चुन्नी का फंसना, आनंद का उछलते हुए जाकर निकालना, उस लड़की की तरफ दूसरी नजर से देखना, ये सब तुम नोटिस कर रही हो क्या? सोचो कैसे किया होगा, उसने कैसे किया होगा। तुमने वो देखा क्या? मुझे लगा तुमने कुछ और देखा। हेलो आंटी, ठीक तो है ना आप? तीन साल पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की आई, और 3 साल के बाद वो मेरी बीबी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड। बहुत अच्छा लग रहा है। उसके मेरी जिंदगी में आने के बाद प्यार शब्द का मतलब पता चला। लग रहा है और भी शब्दों को ईजाद करूं। टुकल बना। Cheers.
जेठ जी तुम्हें टेनिस सिखाने के बहाने पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा प्रिया वहां क्या कर रही हो यहां हो ना आ, चलो अब भाभी की बारी बचपन में मैं इन्हें समर हॉलीडेज में देखा करती थी थोड़े बड़े होने के बाद इन्होंने आना बंद कर दिया अचानक एक दिन घर पर अंकल का कॉल आया कि अर्चित की शादी अपनी बेटी से करवा दीजिए मूर्ति जी आपकी बारी अब ये एक तरफ हीरो ये दूसरी तरफ हीरोइन दोनों मिल गए तो बन गए एक अच्छी सी जोड़ी अब मैं अर्चित को मैं 5 साल से जानती हूँ मुझे याद है ये तो बहुत अच्छा टेनिस खेला करते थे जो अब ये सारी बातें किस लिए कम ऑन कितना अच्छा खेलते थे है ना आनंद छोड़ क्यों दिया बोलो छोड़ना मतलब छोड़ तो नहीं दिया लेकिन पहले जैसे पकड़ कर भी नहीं रखा है उस दिन जब तुम डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में जीते थे तब मैं और आनंद वहीं थे है ना आनंद हाँ यस यस मुझे अच्छी तरह से याद है भैया उन दिनों कप ट्रॉफीज मेडल्स हे आनंद सर आप टेनिस प्लेयर हैं आपने पहले क्यों नहीं बताया नो नो आई एम अ टेरिबल टेनिस प्लेयर सर ऑफिस से कल लीव लेते हैं सर फिर खेलते हैं ठीक है सर मैं इतना अच्छा नहीं खेलता शिवा उन दिनों तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुके हैं सर कम ऑन भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सर बस आप आकर कोर्ट पे खड़े हो जाइए मैं देख लूंगा सर ए आनंद ये सब क्या है यार प्रिया ने जो कुछ सब बता दिया ऐसा लग रहा है मैनेज नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे मतलब अब मैं बेकार का टेनिस खेलूंगा वो मुझे बैट पकड़ना तक नहीं आता एक दूसरे को कवर करना होगा यही हमारा एग्रीमेंट है अर्चित मुझे कब चाहिए भाई है उसे मैंने उधार लेकर दिया था हा? तुम्हारे लिए भी खरीदूंगा अर्चित खरीदना नहीं है कप जीत कर आना है हमारे ओपोनेंट्स कौन है जो भी हो सर आप ही जीतेंगे आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन कहा था मैं कोर्ट पर खड़ा रहूंगा तो भी काफी है सर अगर आप यूं ही बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा सर चलिए मैं आपको बताता हूँ सर चलिए सर लड़कियां इन्हें मजा चखा चला जा नींद आ रही है मुझे प्रिया नटखट मैं कोई काम कहूं तो करोगे ऑर्डर दो डार्लिंग अर्चित कब रेडी क्या रेडी ऑलरेडी आधा घंटा बीत गया ऐसा करते हुए 15 लव बोल 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 इस बार तू जा शिवा यस ये कोर्ट असल में कितना बड़ा होगा शिवा टीवी में देखने से नहीं पता चलता है लेकिन देखने से बहुत बड़ा लगता है भले ही कितने पैर मार लो पूरी जगह कवर करना मुश्किल है ऐसा क्या कि हम रिक्शा तो नहीं कर सकते ना सर हे माँ माँ वैसे भी इस टेनिस की फिलॉसफी से मैंने गिव अप कर दिया है शिवा वैसे भी अगर वो मारेंगे तो हम भला क्यों उठाए यार छोड़ो जाने दो यार चलो हम लोग खेलते हैं यार आगे खड़े रहे तो पीछे मारते हैं और पीछे खड़े रहे तो आगे डिस्ट्रिक्ट कहा था ना आपने हाँ अर्चित लगता है बहुत थक गए हो रोटियां लाई हो खाओगे क्या रोटियां डिस्ट्रैक्ट ये सब क्या है मुझे सब पता है लेकिन मुझे नहीं पता है क्या है ये जेठ जी के टेनिस के बारे में बता सकते हो पर अपने टैलेंट को छुपा रहे हो हाँ? जो उन्हें मुझे सब कुछ बता दिया है
ऑयल पेंटिंग, मेरी तस्वीर बनाओ ना। मुझे नहीं आती है। अच्छा, आपको लगता है मुझे कुछ नहीं पता? पेंटिंग बना रही हो या मैं मायके चल जाऊँ? कहीं मत जाओ, क्या छोटे बच्चों की तरह जिद कर रही हो। ऑयल पेंटिंग क्या लगा रखा है तुमने ये? अब ऑयल की क्या जरूरत है? ऑयल शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कल हम ऐसा कलर खरीदेंगे जो नुकसान ना करे। ओए, क्या है ये सब? पेंटिंग बनाओ ना। बनानी ही पड़ेगी। उस लड़की से तो हम जीत नहीं सकते, उस बड़ी वाली पे अटैक करते हैं सर। इतना डट कर खड़े रहने के बाद अब तू ये कह रहा है? सर, अगर कुछ नहीं करेंगे तो मैडम के सामने इज्जत जाएगी। ए, ये कोई फोटोशूट नहीं है, पेंटिंग है। हिलो मत। सॉरी सॉरी सॉरी। प्रिया, तुम अपना बायां हाथ जरा ऊपर उठाओ। हाँ, खिड़की पे रखो और दूसरे हाथ को ऐसे उठाओ जैसे कोई तुमने फूल पकड़ा हो। हाँ हाँ, ऐसे ही। उस फूल की तरफ चेहरा घुमाओ, बिल्कुल फूल की तरफ देखना। परफेक्ट। आनंद, मुझे देखने की जल्दी हो रही है। टेंशन मत लो, अगर देखोगी ना तो दादा परदादा याद आ जाएंगे। मेरी नाक कैसी बनी है? बहुत बढ़िया बनी है। नाक किस तरह से बनी है ना, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और होंठ? बड़े पैर। क्या कहा, पैर? नहीं, बड़े बड़े दांत। नटखट। चार मीनार की तरह सीधी आंखों की पलकें। कौन सी पलकें? अरे वही आंखों की पलकें डार्लिंग। और फिर बाल? बस वही बना रहा हूँ। सूखे हुए गोबर पे अगर पत्ते रख देंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे क्या? वो बहुत ही ध्यान से बना रहा हूँ। आई एम डन। देखोगी तो हैरान हो जाओगी। दिखा फिर, दिखा। नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है डार्लिंग, फिनिशिंग टच देना बाकी है। तब तक तुम किचन में जाके एक कॉफी बना के आओ। नहीं, मैं यहीं पर रुकूंगी। पेंटिंग एक कल्पना है और सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए सुंदर कल्पना करनी पड़ती है, लेकिन मेरी बीवी जी कल्पना से भी परे हैं। मुझे मेरी कल्पना के लिए 10 मिनट दे दो, फिर फिनिश कर दूंगा, फिर आके देख लेना। ओके, आई लव यू। That's out. इतना ही तो था सर, 1 इंच ही तो था, ऐसे कैसे आउट हो गया? इंच हो या सेंटीमीटर, आउट आउट होता है। मैं नहीं मानता सर। As it is तो नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्रिएशन है मेरा। ब्यूटीफुल। इतनी महान कला को अपने अंदर दबाकर क्यों रखा है? डर की वजह से। इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, इसका मतलब आपका दिल साफ है। लेकिन मैं तो बात करने में थोड़ा कठोर लगता हूँ ना। इंसानों ने अपने मन की बात छुपाने के लिए ही शब्दों का इजाद किया है। एक बात बताऊँ, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छी पेंटिंग कभी नहीं बनाई, सो दोबारा बनाने को मत कहना प्लीज। ठीक है, नहीं बोलूंगी। सॉरी कल्पू, कप नहीं जीत पाया। कोई बात नहीं अर्चित, इतने लोगों के सामने खेलना कोई आम बात है क्या? आनंद ऐसा खेल सकता है क्या? Thank you.
क्यों बे यहाँ बैठा है? तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा था मैं। क्यों? पता नहीं क्यों तुझसे बात करने का मन हो रहा था। बोलिए ना। वो एक्चुअली कोई बात नहीं, बोलिए ना। कुछ नहीं यार। बोलिए ना। आज 3 तारीख है ना, और तूने ब्याज के पैसे नहीं दिए। ओह, कल सुबह दे दूंगा। अरे ये पापा की बेल्ट है। हाँ, उन्होंने मुझे दी थी। अरे वो टाई भी पापा की है। उन्होंने ही दी है। ए, ये जूते भी पापा के हैं। जानता हूँ, उनके कहने पे पहन रहा हूँ। पापा ने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए तुझे ये सब बोला है ना, कि मेरी टाई पहनना, मेरी बेल्ट पहनना। हॉस्पिटल में पापा के बगल में मैं ही था। पापा ने क्या बताया है, क्या पूछा है, अगर बता दूंगा तो आपको बहुत दुख होगा। मैं पापा को उस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आया। पापा जिस हाल में थे आप उन्हें देख नहीं पाते। बेचारे, वो भी तो यही चाहते थे ना, उन्हें हॉस्पिटल में ना रहना पड़े। खरीदने वाला आ गया। अभी कुछ नहीं है, बाद में कभी आना। आजकल 1 रुपया ज्यादा दे रहा हूँ, सोच लीजिए। अरे नहीं बेचना है स्वामी जी। अरे भाई जरा रुक जाओ। ये ले भाई, 28 रुपए। ये किस लिए? मैंने पुरानी किताबें बेच दी, 3 किलो निकल गई। पहले उसने कहा 8 दूंगा, लेकिन 9 का भाव दे दिया। भैया, पापा की दी हुई किताब भी बेच दी आपने। क्यों यार इतना गुस्सा हो रहा है तू? अबे ये 28 रुपए तेरे बहुत काम आएंगे, इसलिए। पापा की दी हुई आखिरी गिफ्ट थी वो। अरे अब क्या होगा? उसे तो मैंने अभी तक पूरा पढ़ा भी नहीं था। अच्छा, मेरी बेल्ट पहनना, मेरी टाई पहनना, ये कहने वाले पापा ने पूरी किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा था क्या? इतने साल बीत गए लेकिन तूने अब तक पढ़ी क्यों नहीं? इसीलिए मैंने उसे आधा पढ़ा था। अगर पूरा पढ़ लेता तो उसी के साथ उनकी यादें भी खत्म हो जाती, इसीलिए मैंने उसे पूरा नहीं पढ़ा। पता नहीं यार, चल दुखी मत हो, जब तेरे पास टाइम होगा तो विशालेंद्र पब्लिकेशन में जाकर। जाइए ना। सरदर्द के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए? किसके लिए? मेरे लिए। लगता है माइग्रेन हो रहा है। वो कैसे? कुछ नहीं, थोड़ा सा टेंशन है। कौन सी दवाई लेनी चाहिए? रुकिए, 2 लेकर सो जाइए और लाइट ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक्स। ऐसा सिरदर्द भगवान किसी को ना दे। ये 2 ले लेना। थैंक्स। लाइट ऑफ करके सो जाना। आधी रात को एक लड़की के घर में कोई चोरों की तरह आया और उसे सरदर्द की दवा दी, ऐसा पहली बार देखा है। तो अब क्या करें? आधी रात को फोन करके शिकायत करोगी? माइग्रेन की शिकायत है तो टैबलेट साथ में रखनी चाहिए। दवा से माइग्रेन खत्म हो जाएगा क्या? तो फिर जिसे पसंद करते हैं वो देख जाए तब हो जाएगा। अंदर आओ ना। नहीं नहीं, मैंने टैबलेट दे दी और तुमने मुझे देख भी लिया, अब क्या जरूरत है? प्लीज मुझे जाना है। नहीं मुझे जाना है। ए, आ रहा हूँ, ठीक है। कमाल है यार, क्या है ये? सरदर्द के बारे में कहा था।
अगर मुझे सर दर्द है तो इससे तुम्हें क्या? क्या कह रही हो? तुम मुसीबत में हो तो कैसे चलेगा? आई लव यू अजित। क्या कह रही हो? आई लव यू। आई एम मैरिड। आई एम नॉट। मेरे लिए रुके क्यों नहीं? ऐसे रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक बार उससे बात करनी पड़ेगी। ये बताइए, वो यहाँ कितने दिन रहने वाली है? असल में कहानी क्या है और विषय क्या है बोल? वापस जाएगी या यहीं रहेगी? उसे आर्थिक रूप से कोई मदद कर दे क्या? उससे भी 1.5% ब्याज लेंगे क्या? चुप कर। किसी रेस्टोरेंट में ले चलते हैं और समझाते हैं। चेकनिस चलें क्या? अगर वहां किसी ने देख लिया तो? मिनर्वा। डायलॉग इन द डार्क चलते हैं। वहां एक दूसरे को देख भी नहीं सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, वो भी जब बोलेंगे तो। हेलो सर, आई एम अमृत। आई एम अर्चित रामाराव। हाय, आई एम ज्योति। आई एम आनंद वर्धन। सो टुडे आई एम टूर गाइड फॉर यू। प्लेस योर बोथ हैंड ऑन माय शोल्डर। शैल वी स्टार्ट? यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगता है आंखें जेब में लेकर घूम रही हैं। शायद इसे ही ब्लाइंड डेट कहते हैं। आपको क्या पता है और कितना आपको बताना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है प्रिया, मैं सब समझ सकती हूँ। यहाँ के खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन टेस्टी अच्छा नहीं है ना? चम्मच को आपने अपनी नाक के नीचे रखा है ना? टेंशन मत लीजिए, उसके नीचे ही मुंह होता है। टेस्ट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए बोल रहे थे? कुछ नहीं, शांति से बताने के लिए हम यहाँ पर तुम्हें लेकर आए हैं। शांति से क्यों? जब आए हैं तो बताओ ना। लेकिन समझ में नहीं आता है ना? तो फिर समझ में आया ऐसे बोलो। फर्स्ट टाइम आपको कैसा फील हुआ था? सरप्राइज रह गई थी। देखने में कितने मासूम लगते हैं और काम देखो। पति के बारे में ऐसी बात पता चलने पर उसे सहन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अरे प्रिया, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, मेरे अंदर तुम्हारी हिम्मत का 10% भी नहीं है। शादीशुदा आदमी से प्यार करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझसे लॉजिक मत पूछो, मैं प्यार करती हूँ बस। प्यार करती हो ठीक है, उसके बाद क्या करना है? पता नहीं, किसे पता है। बॉलीवुड सिंगर किशोर कुमार ने 4 शादियां की थी। मतलब? वो सब जब 4 शादियां कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे? और भी एक कर सकते हैं ना। इम्पॉसिबल, अनरीचेबल, इरेशनल, इलॉजिकल, अन्याय, अराजकता, अमानवीय, जंगली। एक लड़की के साथ इतना बुरा किया ये जानते हुए भी। बाप रे, क्षमा करना मुझसे नहीं होगा। दीदी प्लीज, बड़ा दिल रखना चाहिए, फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझसे ये सब मत पूछो, मैं अगर लौट के आई हूँ तो बस तुम्हारे लिए। बात यह है कि हमारी कास्ट अलग है और तुम्हारी कास्ट अलग है। दूसरी शादी के लिए कोई कास्ट वगैरह देखता है क्या? अभी दूसरी शादी के बारे में कौन सोच रहा है? कास्ट के बारे में सोचा है, मतलब शादी के बारे में ही सोच रहे हो ना? अब ये डिस्कशन बंद करो, मैं वेट करूंगी। सच में इतना प्यार करती हो जो? बहुत। कितना? इतना। कितना? मैंने हाथों से इशारा करके दिखाया था। यहाँ पर नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो तुम हाथ से दिखाओगे तो कैसे पता चलेगा? मेरी आंखों में देखते तो दिखाई देता। जब तक उस लड़की की शादी नहीं हो जाती ऐसा ही ड्रामा चलता रहेगा। शादी करवा दें क्या? वो बेचारी अच्छी लड़की है। एक रिश्ता है। कौन है वो? मेरे कजिन है ना। श्रीकांत जी क्या? लेकिन कोई परवाह नहीं है, जेठ जी ने जब से उन्हें नौकरी से निकाला है उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। सुनिए, कच्चा आम है या पक्का आम? फिलहाल तो कच्चा आम है, लेकिन पकने की संभावना अच्छी खासी है। सब कुछ ठीक रहा तो मैंने उसे सफेद रुमाल लहराने को कहा है। अरे भैया, हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दबाजी क्यों, कभी कभी ऑटो भी शुरू होने में 5 मिनट लेता है। श्रीकांत अभी जो के बारे में बात करेगा। लेडीज फर्स्ट। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा। ओनली 3 वर्ड्स। हाँ, मुझे पसंद
नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? होने वाले पति के बारे में बोलने की इच्छा नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? मुझे ये एंगेजमेंट पसंद नहीं है। क्या? I'm sorry श्रीकांत, मैं ये नहीं कर सकती। No, but why? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो पहले क्यों मान गई थी तुम? मैंने सोचा था उसे भूल जाऊंगी। किसकी बात कर रही हो? है कोई एक। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कौन है वो? हे सुनो, तुम्हें क्यों जाननी है उसकी पर्सनल बात? अब मना करेगी तो कैसे चलेगा? अब जो भी हो हम क्या कर सकते हैं? अंकल ये सब क्या हो रहा है? मुझे एक बार बताया तो होता। बताना मत, बताना मत। कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा। उसकी शादी हो चुकी है पापा। अब ये चार लोगों के सामने क्यों बोल रही है? नहीं, वो कौन है जानना है मुझे। कुछ ना कुछ कर वरना ही मेरा परिवार उजाड़ देगी। मैंने एक आदमी से प्यार किया था, जब प्यार किया था तब शादी नहीं हुई थी और अब शादी हो गई है, तो इसमें मैं क्या करूं? अब उस बारे में जान के क्या फायदा? वो भी तुम्हें पसंद करता है क्या? मैं उसकी जान हूँ। अरे बाप रे, उसने प्रॉमिस किया था। जो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उसने कहा था जल्दी ही अपनी बीवी को बताकर उससे तलाक ले लेगा और फिर मुझसे शादी कर लेगा। ये कैसी सजा दे रही हो मुझे? सॉरी पापा, एक नॉर्मल लड़की की तरह मैं भी प्यार में पड़ गई और एक नॉर्मल लड़की की तरह ही उससे शादी करना चाहा। अब मैं क्या करूं पापा? मैं क्या बोलूं बेटी? चीची, सब झूठ है भाई। असल में तलाक और दूसरी शादी करने की कोई बात ही नहीं हुई थी। एग्जैक्टली, आई हैव अ माय वाइफ। उसे छोड़कर नहीं नहीं नहीं। जो जिसके बारे में बोल रही थी वो मैं ही हूँ। आपको गलत फहमी हो गई है, वो मेरे बारे में बात कर रही थी। तू ऐसा समझ रहा है क्या? नहीं भाई, जो मुझे पसंद कर दिया, समझा? हे, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं नहीं समझ पा रहा। उस दिन अंधेरे में उसने कितने डायलॉग मारे आप समझ नहीं पाए क्या? हे, डायलॉग इन द डार्क में साथ देने के लिए मैं तुझे ले गया था, तब जो ने जो कहा था वो भूल गया क्या? ये क्या है भैया, मैं ही उसकी पसंद हूँ, वो शादी के लिए बोलेगी तो मैं मना कर दूंगा? लगता है तो अंधेरे में कंफ्यूज हो गया होगा। असल में हुआ क्या ये बताऊंगा तो तू चौंक जाएगा। भैया बात कहां तक पहुंच गई है, अगर मैंने आपको सच सच बता दिया ना तो आप चौंक जाएंगे। जो को मैंने उसके गाल पर चूमा था। झूठ बोलने की भी सीमा होती है भैया, जब मैं उसे पसंद हूँ तो वो आपको किस क्यों करेगी? हाँ, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। अगर ये बात है तो उसने मुझे किस क्यों किया? What? Yes, last में जब मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो तो उसने मुझे किस किया। मुझे तो उस बारे में सोच के ही शर्म आ रही है। ए, जरा इधर आना, अपनी आंखें बंद करना जरा। क्या हुआ? बंद करना, बताता हूँ। ये क्या है, कितने अश्लील हैं आप। इस आवाज से ही तुझे शर्म आ गई? मतलब आपने मुझे ची, 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 ची। आपको उसके और मेरे गाल में कोई फर्क समझ में नहीं तो आया? मेरे और जो के चुमने में तो अंतर नहीं समझा? पता नहीं, उसने कहा कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ, उसने मुझसे माइग्रेन की टैबलेट भी मंगाई। दवा से माइग्रेन चला जाएगा क्या? तो फिर जिसे पसंद करते हैं उसे देखने से जाएगा। अंदर आओ ना। नहीं, मैंने तुम्हें दवा दे दी ना, तुमने मुझे देख भी लिया, अब क्या जरूरत है, मैं नहीं आऊंगा। प्लीज। नहीं, मुझे जाना होगा। वो खेल रही है, हम दोनों के साथ खेल रही है वो। आपके साथ भी उसने ऐसा ही किया ना, बट वाई? आने दे, धो देंगे उसे, साफ कर देंगे। हेलो, क्यों हम दोनों को प्रॉब्लम में डाल रही हो तुम? लोग हो स्टॉकिंग, मुझे तो ये सब देखकर ही हंसी आ रही है। उस दिन रात को जब मेरे घर में कोई नहीं था तब मुझे मारने के लिए तुम लोग ही आए थे ना। सुनो, उस दिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम दोनों ऐसे इंसान नहीं है। कोई भी वैसा इंसान नहीं होता, लेकिन काम तो वैसा ही करने के लिए आए थे ना, बस। वी आर सॉरी जो। एक लड़की को मारना ही मर्दानगी होती है क्या? ये माइग्रेन अभी भी सता रहा है। Life has become hell. अगर सर दर्द है तो ब्रूफिन ले सकती हो। अरे मेडिकल रिपोर्ट बोलो। सेराडोन भी ले सकती हो और डोलो 650 भी ले सकती हो। मैं रिवेंज लूंगी। ज्योति देखो, हमारी शादी हो चुकी है, प्लीज हमारा घर मत तोड़ो। लगता था हमारे पापा को हार्ट अटैक तुम्हारी वजह से आया है,
तुमने कहना चाहा लेकिन हम सुनने की हालत में नहीं थे। तुम्हें देखकर दया आ रही है मुझे। चलो तुम दोनों मेरा एक काम कर दो, उसके बाद परेशान नहीं करूंगी। क्या करना होगा? जो वाला वाला भारद्वाज याद है क्या? प्यार में पड़ने वाले कुछ लोग जैसा पागलपन करते हैं ना, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही कुछ किया था। जैसा तुम लोगों ने लिखा था मैंने भी लेटर्स लिखे थे, वो सब उसने अच्छे से संभाल कर रखे हैं। जाने के बाद मुझे समझ में आया उसे मैं पसंद थी, लेकिन जैसी मैं हूं ठीक वैसी पसंद नहीं थी। मैं अपने आप जैसी ही रहना चाहती थी, मैं उसके हिसाब से नहीं चल सकती थी। मुझे वो प्यार प्यार जैसा नहीं लग रहा था, तब मैंने उसे छोड़ दिया। भारद्वाज अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है वो मुझे किसी और से शादी नहीं करने देगा। वो अभी हैदराबाद में ही रह रहा है, उसका पता दे देती हूँ। उसके घर में घुसकर हमारे फोटोज वीडियोस और मैंने जो उसे कविताएं लिखी थी वो अगर तुम दोनों लेकर आ गए तो मैं भी फ्री और तुम लोग भी फ्री, क्या कहते हो? ठीक है ना? तुम हमसे चोरी करने के लिए कह रही हो? सोच लो, एक हफ्ते का टाइम दे रही हूँ। मेरे लिए तुम लोगों ने जो लव लेटर्स लिखे थे ना वो अब भी मेरे पास है। आखिर ये लव लेटर क्यों लिखते हैं लोग? लेकर आ। क्या कहा? काम आएगा यार। क्या बात कर रहे हैं? किसी के घर में घुसने की आदत पड़ गई ना तो कल ये हुनर काम आएगा। कुछ अलग तो होना चाहिए ना आदमी में, नहीं तो ब्याज भरना ही रह जाता है। छह सौ बत्तीस गज आ जाएगा। अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो जीएचएमसी वाले चार फ्लोर तक परमिशन देंगे, हम पांच बना सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? डील आपको पसंद है ना? एक बार हम दोनों को बात करने दो। मैं आपको फोन करूं क्या? हम खुद आपको फोन करेंगे। ये सब क्या है? कुछ नहीं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना कुछ नहीं, असल में मार्केट रेट क्या चल रहा है ये तो पता लगाना ही था। घर मेरा भी है ना, भीख मांग के खा रहा हूं मैं। मेरे पास है क्या? पापा होते तो ये घर बेच के पैसे मुझे देते। पापा नहीं है इसलिए घर का होना जरूरी है। आपका क्या? आप कुछ भी बोलिए, मैं भूखा मर जाऊंगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रिया को कभी डिनर पे नहीं ले जा पाया और ना ही उसे कोई खुशी दे पाया, उसके लिए एक चूड़ी तक नहीं खरीदी, लेकिन आपका क्या है? आप तो कार शिकार सब कुछ। ध्यान से सुन, अपने दुख का रोना तो किसी और को सुना, और ये घर तू नहीं बेच सकता। दोबारा यहाँ कोई इसके जैसा मोटा भाव निकलने आया तो अच्छा नहीं होगा, समझा? याद रखना। क्या हुआ आनंद, उदास लग रहे हो? ये बताओ मुझसे शादी करके तुम खुश हो या नहीं? क्या हुआ? खुश हो या नहीं? बहुत। झूठ बोल रही हो, मेरी वजह से तुम्हें मुसीबत उठानी पड़ रही है। I'm sorry. मुझे एक बात कहनी है, सुनोगी क्या? बोलो माँ। अगर इस घर का अच्छा भाव मिल जाए तो उसका हिस्सा उसे दे दो। माँ। बेचारा बहुत परेशानी में है। घर बेचना इतना आसान काम नहीं है माँ। अगर समझदारी हो तो ग्लास में भरा हुआ पानी और गुब्बारे में भरी हवा भी बेची जा सकती है। मेरे दोनों बेटे खुश रहने चाहिए बस। इस घर का कोई खरीदार मिल जाए तो तुम दोनों को आधा। बस करो आपका ये बंटवारा। तो और क्या, तुम दोनों को देखती हूँ तो लगता है मेरी परवरिश में कमी रह गई। बंटवारा कम से कम सही किया होता तो तुम दोनों आज
क्यों बे, घर बेच के क्या करना चाहता है तू? शहर की एक मेडिकल कंपनी में मेरी जॉब लग जाएगी, वहां एक फ्लैट खरीद लूंगा। तो 5 मंजिल, उसमें बनेंगे 10 घर, हमें 6 देकर बिल्डर 4 अपने पास रखेगा, सही कह रहा हूँ ना? यस, दोनों को 3-3 मिल जाएंगे। अच्छा है, तो माँ को कैसे पालेगा? है तो अकेली ही ना। बोलना, तेरे पास 6 महीने, फिर मेरे पास 6 महीने, यही तेरा हिसाब है ना? माँ जहाँ भी रहेगी वहाँ खुश रहेगी, वैसे भी गिनती करा के जान क्यों खा रहे हैं मेरी, अब तो गिनती करना भी शुरू कर दिया है आपने। ठीक है ठीक है, तो फिर जो का क्या करेगा? हमने उस लड़की को बहुत तकलीफ दी है, ये एक काम हमें मिलकर करना होगा। बोलना, कब करेंगे? लेटर्स कहाँ रखे थे उसने? बेडरूम में, लेदर बैग में होंगे। ठीक है, अगर मैं बेडरूम में जाऊंगा और वो बेडरूम में आ गया तो आप कौन सा सिग्नल देंगे? आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो। ओके ओके, डन डन। ठीक है, कंप्लेंट देते ही बेल बजाएंगे ना। हेलो, माय इंटरनेट इज। आपने कंप्लेंट दी थी, इंटरनेट चला गया। हाँ हाँ, मैडम कहाँ पर है? मैडम से क्या काम है? अरे अरे, मैडम नहीं, मोडम मोडम। ओह या कम। ओह, यहाँ पर सेट किया है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि वास्तु भी कोई चीज होती है, अग्नि की तरफ रसोई हो और इस तरफ मोडम है तो इस तरफ तो तुम्हारा बेडरूम ही है, सही कह रहा हूँ ना? अपना काम करो। थोड़ा पानी पिलाएंगे क्या? हेलो। आज मौसम बड़ा बेईमान। सर गाना कैसा लगा? बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। बरसात जल्दी आ। सर सर सर, बताइए तो गाना कैसा लगा सर? हेलो। हाँ माँ, अभी तक नहीं खाया, कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं माँ। अरे यार, पता है माँ, 3 सिटी में बंद कर दूंगा, ठीक है? अरे तेरे जैसा यार कहाँ। ए, ये गाना क्यों गा रहे हो? मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर। तो ठीक से गाओ। रिमिक्स वाला सर, दरवाजे के पास जाओगे तो फास्ट हो जाएगा। ओ। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सर, इंटरनेट रिपेयरिंग के लिए आपने कंप्लेन की थी? आइए ऑफिसर, मोड़ो मोही पर है, सर की मैडम नहीं है। तो तुम कौन हो? आई अर्चित रामाराव, आनंद अंदर है। आनंद, आनंद चले तो। चले क्या? चलते हैं। रुक जाओ, भैया
बैग छोड़ दे यार, हमसे नहीं हो पाएगा। हम बैग के लिए यहाँ आए थे। ए, बैग चाहिए ना, ले लो, ले जाओ। बैग चाहिए? बैग? उठ, ये ले बैग। बैग चाहिए? बैग चाहिए? बैग भैया, ले बैग। भैया, come on यार, you can do it। बैग चाहिए? भैया, भैया बचाओ। मैं कार स्टार्ट करता हूँ, तू जल्दी आ जाना। मेरी गलती नहीं थी यार, तू चाहता तो भागने का मौका था, लेकिन तुझे सर को हीरोगिरी दिखानी थी ना। सुनिए, हम गए थे उसकी हेल्प करने के लिए, और आपने कहा था ये हमारा लास्ट काम है, पूरा खत्म किए बिना चले जाए क्या? हे, ये इमोशनल गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। सुनिए, मैं आपका भाई हूँ, अगर हम दोनों मिलकर लड़ते तो ऐसा कर सकता था क्या? वो मुझे मार रहा था और आप चुपचाप देख रहे थे। आपको अपने भाई से जरा सा भी प्यार नहीं है? वो सब बचपन में होता है, एक टाइम था जब प्यार और अभिमान था, अभी नहीं है, इस उम्र में नहीं होता ये सब। हे, प्यार होना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है, उसके लिए उम्र की जरूरत नहीं होती भैया, दिल की जरूरत होती है। मेरे पास नहीं है इतना बड़ा दिल, मैं और मेरी बीवी यहीं है, मेरे चाहने वाले बस, मेरे आसपास की दीवार बहुत स्ट्रांग है, उसे पार करके कोई भी ऐरा गहरा अंदर नहीं आ सकता। जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं ना, वो अपने आसपास दीवार बना लेते हैं। हाँ हूं, मैं ऐसा ही हूं, माफ करना मुझे भाई। कोई किसी को माफ कर दे इसलिए उसे समझाना पड़ता है, और उसे समझाने के लिए उसकी तरह सोचना पड़ता है। मैं आपकी तरह नहीं बन सकता और ना ही आपकी तरह नीचे गिर सकता हूं। एक बात और है, ये सब मैं कभी भूलूंगा नहीं। क्यों भरत की तरह ऐसे बिल्टअप दे रहा है तू? तूने वाइफ के साथ बेंगलुरु जाने का फैसला कर लिया है ना, तो अब रो क्यों रहा है? अभी अभी मैंने फैसला लिया है, मुझे पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो खुश रहूंगा, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये जगह मुझे रोकती है, और वो क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। यहां तालियां बजाने के जितना कोई बड़ा त्योहार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इतनी आवाज चाहिए ना तो एक हाथ से चुटकी बजा सकते हैं। भाषण बनकर चल, चलते हैं, चल। आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। कौन है? दोबारा कोटेश्वर राव के बेटों से पंगा लेना हो तो कम से कम उसे दो बार सोचना पड़ेगा। एग्जैक्ट कितने बजे ट्रेन है? 11:45 की। अचार या और कुछ ले जाओगे? नहीं, एक हफ्ते बाद तुम भी तो आ रही हो ना। अच्छा सुनो, थोड़ा मार्केट के पास वाला घर देखना, ठीक है ना?
हाँ ठीक है। भैया कल इस घर को देखने के लिए लोग आ रहे हैं, डील ध्यान से करिएगा। अगर हमारी जमीन को वो उससे मिला लेंगे तो हमें उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। ओके। माँ, इस घर को बेच देंगे तो हम खुश रह पाएंगे क्या? इस घर में रहकर भी कौन से खुश हो, शायद बेचकर ही थोड़ी खुशी मिल जाए। क्यों बे, स्टेशन में भी चल सकता हूँ क्या? प्लेटफॉर्म टिकट खरीदेंगे तो कभी भी आ सकते हैं। कोच नंबर क्या बताया था? S2। स्लीपर है क्या? हाँ। पानी की बोतल चाहिए क्या तुझे? हे, तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूं। गिफ्ट? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुझे आ रहा है ना इसलिए। ये ले पकड़। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं, लेकिन अब जाकर मिली है। मैंने कबाड़ वाले को बेच दी थी, लेकिन इसका मुझे हर दिन अफसोस हुआ करता था। भैया यह कहां से मिली आपको? बहुत मेहनत की यार मैंने, ऐसी कोई शॉप नहीं है जहां मैं नहीं गया। बहुत मेहनत की आपने, लेकिन सिग्नेचर ठीक से नहीं कर पाए। पापा कोटेश्वर राव की सिग्नेचर करते हुए राखी मांत्रा देते थे। आर यू श्योर? पापा के सिग्नेचर कैसे थे मुझे अच्छी तरह से याद है। तेरे बर्थडे के मौके पर नए तरीके से सिग्नेचर किया होगा शायद। भैया पापा के सिग्नेचर के समय जो साउंड आता था वो भी मुझे याद है। ए, जो आई है। थैंक्स अर्चित, थैंक्स आनंद। थैंक्स कहने आई हूँ या गुड बाय कहने, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुमने अपना काम कर दिया है, अब जो मैंने वादा किया था उसे निभाऊंगी। गुड बाय। वैसे भारद्वाज ने सुबह सुबह ही कॉल किया था, कह रहा था हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं, बाहर वालों की क्या ज़रूरत। उसके लिगमेंट में चोट आई है, बहुत जोर से मारा है। नहीं तो इतनी जोर से लग जाएगी ये नहीं सोचा था। एनीवे थैंक यू, बाय। भैया आपने उसे मारा? ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना, आपने मारा उसे? थोड़ा सा, मैं बस बात करने गया था, साथ में दो खींच कर भी दे दिए। भैया जाने से पहले एक सच बताना चाहता हूँ। पापा ने कभी नहीं कहा कि मैं उन्हें बहुत पसंद हूँ। पापा जब हॉस्पिटल में थे तो उनके मुंह में कुछ लगा हुआ था, वो कुछ बोल रहे थे लेकिन मैं समझा नहीं। जाने से पहले आपको हग कर सकता हूँ क्या? मुझे ऐसे इमोशंस पसंद नहीं आते। चलो
छोटा सा ही, प्लीज। सॉरी यार। नहीं भैया, तू जा रहा है, इस बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे। यही रुक जाए यार। प्लीज रुक जाना भाई। के तौर पर अगर मैं हार गया तो कोई फर्क नहीं, लेकिन दोनों भाइयों के तौर पे हमें नहीं हारना चाहिए। अब से तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, प्लीज यार मेरे लिए रुक जा। मुझे बताया होता तो उस भरद्वाज का मैटर चुटकियों में सॉल्व कर देता। अगर तुम करते तो हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। उन दोनों की प्रॉब्लम का क्या होता? जो करना चाहती थी वो कर ही दिखाया। कांग्रेचुलेशंस। आंटी की आंखों में आंसू देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी वजह से ही उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। एक को मारा तो दूसरा आएगा, ये तुम्हें कैसे पता था? उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने वाले बहुत कम होते हैं, पता है ना? सॉरी बोल रहा हूं ना भैया। पापा की दी हुई किताब ट्रेन में ही रह गई है। उसकी क्या जरूरत है? पापा की दी हुई ओरिजिनल तो नहीं है ना? मेरी दी हुई डुप्लीकेट है। भैया, हर पिता अपने बेटे को कभी ना कभी कोई गिफ्ट देता है, लेकिन पिता की जगह लेकर अगर कोई भाई गिफ्ट दे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वो किताब लेकर आता हूँ भैया।